जनाब इतना आसान नहीं है, समझे। तारीख है 27 अप्रैल 2022, समय हो गया 04:37 AM। मेरी जो एजुकेशन है ना, मेरी जो ट्रेनिंग है, यहाँ मिर्च लगेगी आप सबको अब, समझे। बहुत कॉस्टली है मेरी बंच एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं है सर, समझ में आई। बुरा मत मानना कि एक हॉस्टल में 100 IAS और IPS पढ़ रहे हैं, लगा ना बुरा। अब मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा बोलने का। लेटर शेयर किया ना मैंने पाकिस्तान का, आज के इंसिडेंट का लिखा है ना, पर डेप्यूटी मैं सिखाऊंगा ना सर आपको। डेप्यूटी लिखा है ना इस पर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल लिखा है ना। अब डेप्यूटी क्यों लिखते हैं, जो डेपुटेट होके आता है, जो डेपुटेशन पे आता है, अब समझे। जी हाँ, पोस्ट होती है वो, और एडिशनल मूवेबल होता है, जैसे BDS बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में एडिशनल आएगा, मूवेबल है वो, समझे। उसे कहीं मूव करा देंगे, वो पोस्ट नहीं होती एडिशनल, वो IG को असिस्ट करता है, इंस्पेक्टर जनरल को सर। अब समझे डेप्यूटी क्यों लिखते हैं, जो डेपुटेट हो गया आता है। डेपुटेशन पढ़ता है आपको, नहीं पता आपको। जी हाँ, CBI से आ जाएगा, वो डेपुटेशन पे आएगा, आप समझे। हाँ जी, पुलिस के और महकमे से आ जाएगा, सेंट्रल आर्मी भी सेंट्रल और स्टेट अलग होती है सर। बिहार रेजिमेंट स्टेट है, सेंट्रल नहीं है सर। पंजाब रेजिमेंट स्टेट है, सेंट्रल नहीं है, सेंट्रल सिर्फ स्ट्राइक कोर होती है। जी हाँ, अब समझे लिखते कैसे हैं, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कभी नहीं लिखते सर, AIG कभी नहीं होता सर। इंस्पेक्टर जनरल एडिशनल है वो, एडिशनल मतलब एक और, पर वो जो है वो IG के ऑफिस में नहीं बैठेगा, वो जो नीचे ब्रांचेस है ना, जैसे BDS हो गई, काउंटर टेररिज्म हो गई, सिक्योरिटी हो गई, समझे, उसमें आएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये इंस्पेक्टर जनरल रैंक पता है कहाँ से आता है आपको, है आर्मी से, आप पहुँच भी नहीं सकते वहाँ तक, समझ में आई। इतने में तो आपको जो है ना वर्दी उतार के ना सीधा बैरक में भेज देंगे, जा बेटा आराम से जो है ना वहाँ पे चाउमीन और मोमोज खा लियो, बहस नहीं करेंगे, यही सिखा रहा था मैं। डायरेक्टर नहीं होता सर, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल नहीं होता सर, इंस्पेक्टर जनरल होता है, इसलिए DIG की पोस्ट होती है, डेप्यूटी। जी हाँ, वो डेपुटेट हुआ है, वहाँ से डेपुटेट होने के बाद वो IG बनता है सर, समझे। डेपुटेशन पे आता है, डेपुटेशन वर्ड है, पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने। तो कश्मीर में जो DIG लिख रहे हो ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गलत है सर, यू ऑल आर रॉन्ग, बोल दो जिस मर्जी को, कहा तो कहा, और सरदारों को बोलो दोबारा मेरे को इंस्टॉलेशन दी तो अच्छी बात नहीं होगी, पकड़ेगी पूरी पंजाब रेजिमेंट जो है ना, सबकी SPG ख़त्म करा दूंगा। समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। अगर KPS गिल साहब डायरेक्टर, जी हाँ, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल लिख रहे हैं ना, तो गलत है सर, या तो एक ही बार DIG लिखा जाएगा, DIG ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंक एक ही होते हैं, एक ही तरह के, समझे। बिल्कुल सर, नहीं फर्क होता, जहाँ फर्क आ जाता है ना वहीं गर्दन रगड़ देते हैं मिनट में, इतना आसान नहीं होता। क्यों हो गया ऐसे तैसी, मिल गया सुप्रीम कोर्ट में उससे ऑर्डर, हैं ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ऑर्डर वहां से, वो देखो रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट, समझे। पाकिस्तान में जो आज की है कराची ब्लास्ट में, समझे, ध्यान रखना पड़ता। मैंने व्हीकल नंबर मांगा, अपलोड कर दी उन्होंने कॉपी,
सुनते हैं मिनट में, ठीक है? सबको घर बैठाऊंगा, चिंता मत करो, मैं असली वाला हूँ, मेरे से उम्मीद मत रखना। समझ में आ गई? मैं हूँ भाई साहब जे एंड के आईजी हूँ, और आईआईजी हूँ, आईआईजी रेंज, आईआईजी रेंज, आईआईजी पता है क्या होता है? हैं, मेरी रेंज कितनी है? पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इंडिया, और भी कई जगह रेंज है, फिलहाल इतने ही लिख लेना। एक बार बोलता हूँ ना पाकिस्तान में, मिनट में सब दौड़ पड़ते हैं। ओ छोड़ो यार, वीडियो कैसी भी बन रही है, उन्हें सब पता है, रत्ती भर देरी नहीं करते। मैं भाई साहब, जो कल मैंने आपकी रिपोर्ट इंटरपोल में भेजी है, घर भेजूंगा सबको, कर ली ड्यूटी आप सबने, समझे? बोला मोदी अरेस्ट चाहिए तो चाहिए, इंटरनेशनल आईजी हूँ सर। कैसे? इंटरपोल इंस्पेक्टर जनरल, जी हाँ, इंटरनेशनल पुलिस। समझ में आई? जो जो ट्रेनिंग मेरी है ना सर, बहुत महंगी है सर, बहुत महंगी। बुरा लग रहा है ना सुन के, क्या करूँ सर? अगर ट्रेनिंग उम्दा करी होती ना, बढ़िया ट्रेनिंग हुई होती आपकी, तो ये इतनी सी बात नहीं आप डिनाई करते सर। जे एंड के आईजी हितेश मंडल, स्पेशल ऑप्स मैंने लिया सर, इसीलिए आईजी आ रहा हूँ सर। समझ में आई? इसीलिए स्पेशल ऑप्स में आ रहा हूँ, मैंने लिया सर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। हमें पता है ना हमारी ड्यूटी क्या है और कैसे करनी है। समझ में आ गई? दो एक आतंकवादी मार दिए ना, मेरा नाम सुन के ही ना वो बंदूक ला करके आर्मी में जमा करा देंगे। उन्हें पता है, पहले समझाएगा बहुत तरीके से, उसके बाद ये पूछेगा बाचे को कुछ नहीं है। समझ में आ गई? हाँ, एडिशनल होता ना, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल नहीं होता सर। समझ में आई? रैंक इसी हिसाब से लिखे जाते हैं, और उसको इंस्पेक्टर जनरल भी नहीं बोलते, एडिशनल बोलते हैं सर। आप एडिशनल से बात कर लीजिए, ठीक है? डेपुटी से बात कर लीजिए बस, क्योंकि वो डेपुटेट होके आता है और वहाँ से फिर वो आईजी बनता है। मैंने पहले ही बोला ना सर, मैं डीआईजी पहले ही था, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ चले जाओ ना सर, जे एंड के में जो है ना, सीआरपी ने मुझे वैसे ही डीआईजी रैंक दे दिया था कि आप आईजी नहीं, अभी आप डीआईजी ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, और बाद में मुझे जो है ना सीआरपी में सर आईजी रैंक दिया 3267। जी हाँ सर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, जाओ ना पूछो ना, बताएंगे। जाओ ना, बढ़िया तरीके से सिखाएंगे, समझे? सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर, सीआरपी, सीआरपीएफ नहीं सर, सीआरपी वाले समझाएंगे आपको, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, समझे? ड्यूटी किसे कहते हैं, इतना आसान नहीं है। कहीं आप ये सोच रहे हो ना कि बड़ी आसानी से, ऐसे नहीं होता सर, कोई नहीं किसी पे गोली चलाता। बस ये जो कुछ अपने आप को ज़्यादा 30 मार खां समझ रहे हैं ना, देखो तो सही इनका क्या असर होता है, इनको पता नहीं है। पुलिस में जो है ना, क्या कहते हैं, एक बार डिसओबेइंग लग जाए ना, आदेश की अवहेलना, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, कुछ नहीं मिलता सर। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो थसाए। पब्लिक हंसेगी सिर्फ, और कुछ नहीं होगा आपके साथ, समझे? तो क्या हुआ, 10 साल पुराना रैंक हो तो गलत है ना, गलत है चाहे 100 साल से आ रहा हो। डेप्यूटी जो डेपुटेट होके आता है,
डेपुटेट होना समझते हो, डेपुटेशन नहीं पता है, एक विभाग ट्रांसफर नहीं होती सर, ट्रांसफर विभाग के अंदर होती है, एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सर, डिपार्टमेंट के अंदर ही अंदर ट्रांसफर्स होती हैं सर। जी हाँ, और विभाग में जब सीधा रैंक और वर्दी चेंज हो जाती है तब डेपुटेट होता है बंदा, अब समझे, ट्रांसफर में वर्दी चेंज नहीं होती सर, जगह चेंज होती है सर। ट्रांसफर है बंदे का मेहरोली से चावड़ी बाजार, चावड़ी बाजार से जमुना पार, यही होगा। और अगर डेपुटेट होगा ना तो सीधा, अभी इसी बात पे बहस चल रही है कि क्या बंदा सेंट्रल स्टेट से सेंट्रल में डेपुटेट हो सकता है। मेरा मानना है हो जाएगा, रिक्वेस्ट लगेगी तो, पर ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं सेंट्रल से सेंट्रल में ही डेपुटेट होगा। मेरा कहना है फिर ट्रेनिंग कैसे होगी बाकियों की, फिर तो होल लाइफ फिर वो सेंट्रल से स्टेट में रह जाएंगे। तो पहले आईबी क्लियरेंस लेकर के फिर सेंट्रल में भेजेंगे, क्योंकि मेरे को इस बात के लिए कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने जोर नहीं दिया, मैंने ट्राई करके देख लिया। अब समझे सर, हाँ। इतना सा फर्क है आपके और हमारे में, मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं। कॉस्टली ट्रेनिंग हमारी है, पैसा लगता है सर। समझे, ये रियलिटी है, नहीं समझे। एक क्लास पढ़ते हैं हम, 6 क्लास पढ़ा देते हैं सर। समझे, DIG एक ही बार लिखा जाएगा सर, या तो डेप्यूटी होगा या डायरेक्टर, डेप्यूटी प्रूफ दे रहा हूँ ना सर, देख लो सर। इंस्पेक्टर जनरल डेप्यूटी भी हो सकता है सर, डेप्यूटेट हो गया है। अब समझे डेप्यूटी क्यों होता है, डिप्टी, डिप्टी का स्पेलिंग लिखना क्या होता है, ये डेप्यूटी होते हैं सर। डेपुटेशन पड़ी है, अच्छा कितने ऑफिसर डेपुटेशन लेके आए हैं। जी हाँ, एक एक डिपार्टमेंट से पूरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। उदाहरण के तौर पे ट्राई से जो है, ट्राई नहीं, सेंट्रल के डिपार्टमेंट्स होते हैं, पूरा उससे उसमें चला जाएगा, क्योंकि एक इंजीनियर है, सुनिए, अब वो काम कर रहा है DDA में, वो DDA से NBCC में, NBCC से वो आर्मी में, इंजीनियर्स में डेपुटेशन होती है सर। वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में काम करने का अलग एक्सपीरियंस लेता है। बाय बाय। और जाते हुए ना सर, वो कुर्सी उर्सी जरा, वो जो बाकी फालतू जमाने ने उठा कर लेते जाना। मुझे अर्दलियों से ज्यादा काम कराने की आदत नहीं है। डायरेक्टर जनरल, अच्छा जी, अब एक कह रहा कि चल अब सिंघम बनते। अच्छा
अब तो वो एसीपी है ना बेवकूफ। मतलब एसीपी की तरह ऊपर वहां चेंज कर दोगे। अरे भाई जब मैं J&K IG बना तो मुझे CRP से जो है मैसेज आया कि सर आपको जो है अभी एक रैंक जो है अभी कम मिलेगा आपको वहाँ से। मैं कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा आप DIG बनेंगे। मैं कहा ठीक है, अब बता जा CRP हेडक्वार्टर जाइए जरा। जा तो से CRP हेडक्वार्टर जाइयो, वहीं जमा तलाशी करा लेंगे। वहां एक आदमी मिलेगा तुझे, पता क्या कहेगा, अभी टांग तुझे पेड़ से उल्टा करके वो एक ही बात कहेगा फिर। हाँ दूसरा वाला पता क्या कहेगा, तू चक्कू तो नहीं लाया साथ में ठीक है अति हाँ जहाँ ना पूरी टीम बैठी हुई है, वो सब हाँ हाई रैंक के लड़के हैं, वो सब अंडर ट्रेनिंग चल रहा है। आई थिंक सो, नहीं हमारी ट्रेनिंग अलग होती है। अजीब आदमी है यार। मुझे खुद CRP हेडक्वार्टर से कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला है कि आप J&K IG का रैंक आपका आया हुआ है, आपको एक रैंक अभी फिलहाल कम मिलेगा, तो आप DIG हैं। मैं ठीक है ठीक है, हम बाकी चीज़ें प्रिपेयर कराते हैं। मैं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, या तब तक आप अपना कैरी ऑन कीजिए। मैं ठीक है, मैं करता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो आप बहस के आप आपने हेडक्वार्टर जाओ ना, आप अगर पुलिस में हो तो आपको CRP हेडक्वार्टर जाना है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर नहीं जाओगे आप, और ड्यूटी हेडक्वार्टर है यार ये, ट्रेनिंग और भर्ती CRP में जाना है आपको, वो जवाब देंगे आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस। अरे भाई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो है या J&K पुलिस हेडक्वार्टर, वो ड्यूटी से जो ड्यूटी के लिए वो ड्यूटी पे आ चुके हैं भाई पुलिस वाले हैं, वो ज़्यादा जवाब नहीं देंगे आपको, समझ में आई। वो आपके भले सीनियर हो, आपको CRP में कॉल करना है, वो जवाब देंगे। मैं सबसे पहले अपनी नियरेस्ट पोस्ट पर गया जिस दिन J&K IG बना, मैं उठे फटाफट नहा धो कर देखा फटाफट लिखवाओ बेटा, इससे पहले कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब पता नहीं टीम कौन सी देंगे कैसे देंगे। हाँ? नहीं तो नाम वाम नहीं पता मुझे, ड्यूटी सबने वही CRP हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी है। हाँ कौन से रैंक से होगा, इसी में होगा, सारे IGs वही रिपोर्ट करेंगे, IGs CP एडिशनल डेप्यूटी सब वही रिपोर्ट करेंगे, बाकी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रेनिंग कैंप में इतने, बस ACP वगैरह सब CRP हेडक्वार्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस।
उनका काम है सर, ये वहीं पे रिजर्व में रखेंगे आपको वो। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला मैं रिजर्व में चल रहा हूँ। DIG नहीं, IG हो गया मेरा, हो गया है कहते। देखते हैं टीम कौन सी देते हैं। ड्यूटी पता नहीं क्या आएगी। नहीं, J&K फिक्स है, साहब खुद जा रहे हैं मेरे साथ, बाद में मना कर दिया, पहले तो कह रहे थे। CRP में IG J&K में DIG हुआ था, मतलब अब IG हो गया। कुछ नहीं, बस भर के जाएगी, उठा के ले आएगी तुम्हें 10-5 को। चलो फिर वहां मिलेगा एक तुम्हारे को, पेड़ से उल्टा टांग देगा। दूसरा मिलेगा वहां पे, कहेगा चक्कू तो नहीं लाया। नहीं, 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 नहीं।